किसान साथियों, मैं लेखराज रावत आज एक और नई वीडियो के साथ में आया हूँ, जिसमें आपको दिखाएंगे कि जो अपने खेत में हो रहे नुकसान, जैसे कि बाजरे की फसल हो, मक्का की फसल हो या गेहूं की फसल हो, कोई सी भी ऐसी फसल हो जैसे कि जिसको चिड़िया खाती हो खेत के अंदर, जैसे बाजरा पकने के टाइम पे जो चिड़िया का नुकसान, तोते का नुकसान, कबूतर वगैरह जो भी चीज़ अपने होती है, पक्षियों का जो नुकसान होता है खेत के अंदर, जो बड़े बड़े बाजरे के अंदर जो नुकसान होता है, वो उन चिड़िया वगैरह को भगाने के लिए जो हमने आज देसी जुगाड़ बनाया है, उस जुगाड़ के बारे में आपको बताते हैं कि वो किस प्रकार से वो जुगाड़ काम करेगा और किस प्रकार से उसमें से जो उसको जैसे बनाया गया है। हाँ, तो किसान साथियों, उसके लिए अपने को जो सबसे पहले लेना है एक खाली पीपा, जो कि अपने घर में आसानी से मिल जाता है, जो कि अपने सोयाबीन ऑयल का होता है, जो घर में यूज़ में लेते हैं उसका। और उसके बाद अपने को दो लकड़ियाँ लेनी है, दो लकड़ियाँ इस प्रकार से लंबी लेनी है जो पीपे की साइज़ से बड़ी हो। दोनों लकड़ियाँ लेने के बाद उनको कुछ इस प्रकार से बांध देंगे, जैसे कि ये जो पीपे के जो ऊपर हाथ से पकड़ने का होता है उससे मिला के दोनों को क्रॉसिंग में बांध देंगे। दोनों को बांधने के बाद में अपने को चार ऐसी चीज़ लेनी है, जैसे कि उसके लिए जैसे ये बोल्ट हो सकता है, या कुछ इस प्रकार का जो लोहे का साधन हो, या जैसे कि टूटा फूटा कोई भी सामान हो, जैसे कि ये अपनी बाइक का जो कलच है अक्सर टूट जाया करता है वो हो, तो हर चीज़ काम में आती है किसानों के, जो भी टूटी हुई चीज़ है वो किसान काम में ले सकता है। सूतली हो या रस्सी हो, कुछ भी हो, उससे अपने को बीच में से ऐसे बांधना है। ऐसे बांधने के बाद में जो ये अपना जुगाड़ है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम किस प्रकार करेगा। ये काम करने के लिए एक तो ये ऑटोमेटिक ही हवा में, जैसे पीपा हिलेगा हवा से, तो उस प्रकार काम करेगा। और दूसरा अगर जैसे कि इसके जहाँ से इस सिरे से या इस सिरे से या इस सिरे से किसी भी एक तरफ से अपने को सूतली या रस्सी या तार से बांध लेंगे। आप देख सकते हो किसान साथियों, अभी मैं उससे इतना दूर बैठा हूँ, यानी मैं अगर खेत से बाहर भी जाके बैठ जाऊँगा तो भी इसके जो लंबी रस्सी लगी हुई है, इस रस्सी से अगर मैं इसको खींचूँगा तो ये आवाज़ करने लग जाएगा। अगर ये आवाज़ करेगा तो जो अपने खेत में बैठे हुए पक्षी होंगे वो उड़ जाएंगे, तो इससे अपना जो भी नुकसान होने वाला वो बच जाएगा। और इसको जैसे आप देख सकते हो कि इसके जो लंबी सूतली भी लगा सकते हैं अपन, और भी लंबी ले जा सकते हैं इसको। मैंने अभी तक यहाँ ही लगाया क्योंकि यहाँ से जो व्यू दिखता है, जैसे पता चल जाता है कि अपने खेत में उस जगह पर पक्षी बैठा है या उस जगह पर बैठा है। आप देख सकते हो जो दूर दूर तक जो ये बाजरा दिखाई दे रहा है, जो लंबी सट्टी वाला जो बाजरा लगा हुआ है, आप देख सकते हो ये जो बाजरा लगा हुआ है चारों तरफ देख सकते हो। यहाँ का नज़ारा जो आप देख सकते हो, इसके अंदर जहाँ पे कोई पक्षी वगैरह कोई जानवर हो, जैसे कि जंगली सुअर हो, वो भी दिख सकते हैं यहाँ से। इसीलिए हमने यही जगह अच्छी चुनी है, यहाँ पे आराम से बैठ के बजाया जा सकता है, ना गर्मी होगी और ना ही कुछ दिक्कत आएगी। तो कल जो हम जुगाड़ करने वाले हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि नेक्स्ट जुगाड़ क्या होगा। और अगर मेरा जुगाड़ आपको पसंद आया हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। जय जवान जय किसान।